सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए साइड मैप को कैसे जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और इसमें आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट वीडियो के नीचे जो दिया गया लाल कलर का बटन है, वो सब सिर्फ आप ही लोगों के लिए, फटाफट दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, वो हमारी वेबसाइट का है। मैंने इसमें आर्टिकल लिख के रखा हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद मिलने वाली है। यहाँ सब कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियो में मान लीजिए अगर नहीं देख के समझ सकते हैं तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे के रखा हुआ है कि कैसे कैसे आप लोग क्या क्या कीजिएगा, जो कि अपना अपना सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक हेयर के ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ पर इसका यानी वेब मास्टर टूल का यहाँ पे साइड आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। एक लिंक और यहाँ पे मिल रहा है जिसमें आपको वेबसाइट के ऊपर जाके साइड मैप को यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला वेबसाइट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, अपना डोमेन नेम यहाँ पे देना है और यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपल है, अभी आपको यहाँ से पूरा कॉपी नहीं करना। ये जो देख रहे हैं फ्लैश के बाद जो दिया हुआ है ऑटोम, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट 500 तक, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वेब मास्टर टूल पे आना है, यहाँ पे आपका लिंक है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी वेबसाइट का स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा कि हमने क्या क्या किया है। फिलहाल हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वेरीफाई किया था। यहाँ पे साइड मैप नो है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और एक नया पेज ओपन होगा आपके सामने, हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने साइड मैप को जनरेट नहीं किया था, सिंपल है। यहाँ पे ऐड एंड टेस्ट साइड मैप के ऊपर क्लिक करेंगे और हमने जो यहाँ पे एक सो कॉपी किया है सिंपल सा, हम लोग इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट नहीं करना, टेस्ट करना है ताकि हम लोग यहाँ पे देख सकें, ठीक है। तो अब हम लोग इसे व्यू करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 7 पेज हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है और यहाँ पे एरर कुछ नहीं है। तो ये फाइनली एरर कोई भी फॉन्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसे सबमिट करेंगे। तो क्लोज टेस्ट के ऊपर क्लिक करके फिर से हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। एक बार दोस्तों आप लोगों को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। सबमिट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा सबमिट हो चुका है। सिंपल हम इस पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा साइड मैप यहाँ पे अभी वाट आ रहा है, कुछ देर के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। तो अभी तक यहाँ पे वाट ही दिख रहा है क्योंकि ये अभी तक पेंडिंग है। जैसे ही पेंडिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा आपका साइड मैप यहाँ पे दिखने लगेगा। तो सिंपली हम लोग डैशबोर्ड के ऊपर जाते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर जा करके यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे साइड मैप का यहाँ पे देख सकते हैं 7 URL हमारा सबमिट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम लोग यहाँ पे फाइनली अभी देखेंगे कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है, साथ यहाँ पर हमारा सबमिट है। तो ये कुछ देर के बाद या एक दिन के बाद यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। मैं दूसरे वीडियो में आपको अप्रूवल ज़रूर दिखा दूंगा। यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, 7 कंटेंट टाइप हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा वेब मास्टर टूल के ऊपर से सारा मामला ख़त्म हो गया। तो सिंपल सा अब हमें ये जो पूरा लिंक है इसे हम लोग कॉपी करेंगे। अब जो ये वीडियो को आप लोग स्किप कीजिएगा तो पछताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी किए अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाएंगे। जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसका सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्च प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पे जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। सर्च प्रेफरेंस के ऊपर हम लोग ने क्लिक किया लेकिन ये क्लिक हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो देख रहे हैं कस्टम रोबोटेक्स
रोबोटिक्स, इसके बारे में बहुत लोग पूछ चुके हैं। तो सिंपल है, अभी हम लोग वहाँ से जो कॉपी किया है इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे एडिट करेंगे और इसे हम लोग यस करेंगे और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे सेव चेंज कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये इनेबल हो गया है। इसी तरह से दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे और दो चार दिन के अंदर ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पोस्ट भी आप लोग कंटिन्यू लिखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि साइड मैप को कैसे जनरेट करना है और उसे कैसे अपने वेब मास्टर टूल में सबमिट करना है, ये सब जान लिया दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेटा टैग डिस्क्रिप्शन को कैसे जनरेट करेंगे और उसे हम अपने ब्लॉगर के टेम्पलेट में कैसे लगाएंगे ताकि हमारा जो भी पोस्ट होगा वो सब यानी गूगल समझ सके, हमारे वेबसाइट को समझ सके दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।